हेलो दोस्तों, दिस इज आजाद इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ट्रेंडो एस पर ब्लू टिक, पर्पल टिक, गोल्डन टिक किस तरीके से आपको मिलेगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ, इसे कर दो तो यहाँ से स्टार्ट। देखिए, हर टिक के कुछ फ़ायदे रहती है। ब्लू टिक ट्राफिक आता है आपके इसमें 20-30%, ठीक है। पर्पल टिक आपके इसमें मान के चलिए 60-70% आता है। अगर गोल्डन टिक आ गया तो भाई हर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, हर वीडियोज़ आपके फॉर यू पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई ट्रेंडो पर कोई नया अपडेट्स तो नहीं आया है। ट्रेंडो यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो तो देखिए यहाँ पर हमें अभी कोई भी अपडेट दिखाई नहीं दे रहा। मेनी शॉर्ट वीडियोस एक्टिविटीज़, न्यू ईमेल टू लॉगिन। अब भाई आप ईमेल आईडी से भी, फेसबुक से भी या मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके, वॉल्यूम भी यहाँ पर कम है, डायरेक्टली हमारे इसमें हो गया है ओपन। ये वीडियोस आपको दिखाई दे रहा है जिन्हें निधि यदुवंशी, इन्हें डायरेक्टली पर्पल टिक मिल चुका है, ठीक है। 7.5 मिलियन डायमंड है, 10 मिलियंस डायमंड हो जाएंगे तो ये गोल्डन टिक में बदल जाएगा। आप पूछेंगे सही में, हाँ बिल्कुल, 10 मिलियंस अगर हमने किसी को कॉइन्स दिए है या डायरेक्टली हमने डायमंड रिसीव किए हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। 3.7, 4.6, 4.3, 3.5, 7, 11.9, इतने ज़्यादा वीडियोज़ पर व्यूज़ आ रहे हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट वाली वीडियोज़ बिल्कुल आप बनाइए। और यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ और भी वीडियोज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इन्हें कुछ भी टिक नहीं मिला है, ठीक है। इनके फॉलोअर्स भी 2.5 है पर अभी तक इन्हें कोई भी टिक नहीं मिला, 1 मिलियंस होने वाले हैं। सबसे पहले ब्लू टिक आपको कैसे मिलेगा, आपके इसमें डीपी नहीं दिखाई दे रही है। डीपी होना ज़रूरी है क्योंकि ब्लू टिक के लिए फेस रिकॉग्निशन, उसके साथ साथ आपके डीपी होना ज़रूरी है। हकीम है, इन्होंने क्या गलती की, वीडियोस डाले पर इन्होंने भी वेरीफाइड नहीं किया फेस रिकॉग्निशन। ये भी अंजलि है, ठीक है। इनके इसमें कितने, 18,000 फॉलोवर्स, 1.2 मिलियन इनके डायमंड्स कंप्लीट हो गए। पर अगर मैं यहाँ से अपने अकाउंट्स पर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें भी पर्पल टिक मिल चुका है। पर ब्लू टिक तो पहले था, आप सभी को पता है, पर हमें भी पर्पल टिक मिल चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए पर्पल टिक मिला, मोर व्यूज एंड लाइक्स, ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। लाइव रूम प्रमोशन, भाई लाइव पर जब भी जाएंगे वहाँ पर भी हमें प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया इसका गोल्डन टिक है, इसके पीछे ब्लू टिक है। आज जस्ट मैंने ये वीडियोस अभी अभी डाला हूँ, ये एड्रेस पर है, ठीक है। 285 है और इसमें 12 लाइक्स भी मिल चुके हैं, नॉर्मल ही था। पर ऑडियो क्वालिटी अगर आप अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली आपके रूल्स पर, वीडियोस पर और ज़्यादा व्यूज़ आने वाले। 3.5, 4.5, 7.7, इस तरीके से हाई हाई कंटेंट वीडियोस ज़रूर डालना है। अब देखिए हमें ब्लू टिक कैसे मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आर्टिकल आपने पहले भी देखा होगा, शो हो रहा है, हाँ। ट्रेंडो बैच क्राइटेरिया ब्लू टिक के लिए, ट्रेंडो ब्लू टिक। यहाँ पर आपको मैं अगर जूम करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है ट्रेंडो ब्लू टिक, यू कैन गेट ट्रेंडो ब्लू टिक आफ्टर फेस वेरिफिकेशन। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी चीज़ आप करोगे आपकी डीपी सही होना चाहिए, बायो कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको 5 वीडियोस कम से कम आपके अकाउंट पर होना चाहिए, 5 वीडियोस नॉर्मली अपने फेस से रिलेटेड। और उसके बाद फेस वेरिफिकेशन करना है, जो डीपी है वही चेहरे वाली आपकी वीडियोस होने चाहिए, वही चेहरे वाला आपका फेस रिकॉग्निशन। अगर मैं किसी और की डीपी लगाऊंगा और मैं फेस रिकॉग्निशन करूंगा तो भाई उसमें नहीं होगा, क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो फेस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको डायरेक्टली ब्लू टिक मिलेगा। पर पर्पल टिक, जैसे कि मुझे जो पर्पल टिक मिला वो कैसे मिला, ट्रेंडो पर्पल टिक नीड एनीवन, कोई भी एक चाहिए इसमें से, क्या 100K फॉलोअर्स, 1 लाख आपके फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर, या 10 लाख आपके डायमंड्स होना चाहिए टू रिसीव इन द 1 मंथ, 1 मंथ में 10 लाख आपके डायमंड्स रिसीव होना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ से मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद आपको शो करता हूँ, मान के चलिए ये हो गया है, यहाँ पर गया योर चैनल, ये मेरा चैनल यहाँ पर है एजाज इंजीनियर। फॉलोअर्स देखिए कितने हैं, 3,75,000, ठीक है। 3,75,000 के पास मेरे फॉलोवर्स है, इसका मतलब है 1 लाख से तो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मुझे पर्पल टिक मिल गया। दूसरा आपको तब मिलेगा जब आपके इसमें 10 लाख डायमंड होंगे 1 महीने के अंदर। अगर नेक्स्ट मंथ आपके इसमें 10 लाख नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आपके इसमें 1 महीने के अंदर कम से कम आपके इसमें 10 लाख होना चाहिए। अभी आपके 5 लाख है, अगर मैंने 7 लाख, 7 और 5 12 हो गए हैं, आप बोलेंगे हो गए नहीं, पिछले महीने 7 थे, इस मंथ 5 है, तो इसके कारण 1 साथ आपके इसमें होना चाहिए, तब जाके आपको पर्पल टिक मिलेगा। पर गोल्डन टिक के लिए क्या है, ट्रेंडो गोल्डन टिक नीट बोथ, ये दोनों चीज़ चाहिए ट्रेंडो गोल्डन टिक के लिए। गिफ्टिंग 10 लाख कॉइन्स इन द ट्रेंडो लाइफ एट एनी टाइम, भाई कोई भी समय आपके पास 10 लाख कॉइन्स होना चाहिए, गिफ्ट्स करना चाहिए, आपको गिफ्ट्स करना पड़ेगा। और रिसीव 10 लाख डायमंड्स फ्रॉम द ट्रेंडो लाइव एट एनी टाइम, और जब मैं लाइव आऊँगा तो मुझे 10 लाख डायमंड मिलेंगे, भाई इससे मुझे गोल्डन टिक मिलेगा, मतलब दोनों चीज़ चाहिए।
देना भी 10 लाख लेना भी 10 लाख, इसके बाद आपके इसमें डायरेक्टली गोल्डन टिक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये पर्पल टिक और ये जो गोल्डन टिक है ये मिलने के और भी ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा वीडियोज़ डालना पड़ेगा, कैसे हम अपने अकाउंट्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फॉलोवर्स हमारे इसमें रहेंगे, ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर नहीं 100 के तो भाई आपको पर्पल टिक नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के तो भाई इंस्टाग्राम पर भी रहते होते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू उनको डायरेक्टली पर्पल टिक मिल जाता है। ये देखिए, अपलोड रेगुलर ओरिजिनल कंटेंट विच विल बी चेक्ड बाय द ट्रेंडो टीम। भाई आपको हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कितने, तो मैं आपको करूँगा 720 या 1080 पिक्सल वाले वीडियोस आपको शूट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आज आपने अपलोड कर लिए फिर उसके बाद 2 दिन नहीं किए, नहीं, डेली आपको वीडियोस अपलोड करते रहना है। सेकंड पॉइंट, पार्टिसिपेट इन एवरी ट्रेंडो न्यू इवेंट्स एंड हैशटैग गिवन बाय द ट्रेंडो टीम। आपको भी पता है ट्रेंडो के तरफ से, अब मान के चलिए ये मैंने ट्रेंडो ओपन किया, यहाँ पर गया हूँ, ये देखिए ये इवेंट्स आ रहा है, ये इवेंट छठ पूजा नेचर लवर्स, ये मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप कितने भी अच्छे वीडियोस बना ली इससे रिलेटेड आप वीडियोस नहीं बनाएंगे तो आपकी वीडियोस कोई काम के नहीं है। तो आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली आपको ये बैनर पे जो इवेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाना है। समझ में नहीं आ रहा, क्रिएटर सेंटर पे चले जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये देखिए पूरा हैशटैग चल रहा ना, इससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए। पोस्ट में भी आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है, सब कुछ आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड 10 to 12 वीडियोस इन ए वीक। एक हफ्ते में 10 से 12 वीडियोस डालना है, एक हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन में 10 वीडियोस, मतलब आज आपने 2 डाल दिए, कल 1 डाल दिए, परसों 2 या 3 डाल दिए, फिर 1 डाले, इस तरीके से 10 से 12 वीडियोस आपके एक हफ्ते में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 4 to 5 हैशटैग रिलेवेंट वीडियो, मतलब हर दिन एक हैशटैग वाला वीडियोस डालना चाहिए। आपने सुबह एक हैशटैग वाला वीडियोस डाल दिए, शाम में नॉर्मल सा कोई भी वीडियोस डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, ओके। और 30 से 35 वीडियो एक महीने में होना चाहिए। आप बोलेंगे उसके साथ साथ 15 से 18 हैशटैग वाले वीडियोस होना चाहिए, जो भी मैंने जस्ट अभी हैशटैग आपको बताया उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस डालना पड़ेगा। पोस्ट योर वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम पर टैगिंग ट्रेंडो ऑफिशियल, ट्रेंडो ऑफिशियल को टैग करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा। आपको जाना है यहाँ पे, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप अगर चेक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए TRENDO टाइप किया, यह है ट्रेंडो ऑफिशियल, ठीक है, ये है, इन्हें फॉलो करिए, इन्हें टैग कीजिए। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट भी लगा सकते हैं, हाईलाइट लगाने के बाद ये चीज़ें आपके इसमें चलने लग जाएंगी, ओके। तो भाई उन्हें क्या करना है, डायरेक्टली टैग भी करना है ऑफिशियल, और 15 स्टोरी एंड 5 रील्स इन ए मंथ, और 15 स्टोरी लगाना है और 5 रील्स मंथ में, जो भी आप वीडियोस इसमें डाल रहे हैं वो वाला वीडियोस कॉपी लिंक करके डायरेक्टली उसमें पोस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है तो आप स्टोरी पे लगा सकते हैं और रील्स में अलग से वीडियोस बना सकते हैं, ट्रेंडो ऐप्स के बारे में बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो ट्रेंडो ऑफिशियल एंड क्रिएट अ शॉर्ट हाईलाइट्स स्टोरी हाईलाइट ऑन इंस्टाग्राम विद द ट्रेंडो लोगो, ट्रेंडो लोगो के साथ भी आप क्या करना है, स्टोरी हाईलाइट करना चाहिए। ये करेंगे तो भाई उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उसके बाद आप चेक करोगे तो डेफिनेटली जो टिक आपको नहीं मिला, ब्लू टिक तो नॉर्मली हर किसी को मिल रहा है, पर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टिक है, ठीक है, ये देखिए ये टिक है यहाँ पर, ब्लू टिक यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये है पर्पल टिक। इनके अगर आप फॉलो पे जाएंगे तो ये किस किस को फॉलो कर रहे हैं यहाँ से पूरी पता चल जाएंगे। देखिए ये पूरे टिक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये नॉर्मली सब अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, बस पर्पल टिक तो भी लेना है, पर्पल टिक में ट्रैफिक बहुत आएगा भाई, हर वीडियोस आपके वायरल होंगे, हर वीडियोस बहुत अच्छे चलेंगे। समझ में आ गया, तो इससे कर दे तो डायरेक्टली यहाँ से बन। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल एजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।